गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस बेटे, एज यू कैन सी दिस इज योर कोर्स बुक चैप्टर नंबर 3, द किंग्स मैजिक ड्रम। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। आई विल एक्सप्लेन यू द स्टोरी ऑफ दिस। लेट्स टर्न द पेपर फर्स्ट। एज यू कैन सी बेटे, द एक्सट्रैक्ट यू आर अबाउट टू रीड इज अ नाइजीरियन फोक टेल। कि जो हम ये पढ़ने वाले एक्सट्रैक्ट वो क्या है, वो एक स्टोरी है, फॉक टेल है, एक नाइजीरियन फॉक टेल है। नाइजीरियन मीन्स अ प्लेस, नाइजीरिया इज अ प्लेस इन वेस्ट अफ्रीका। ओके बेटे, फॉक टेल्स होते हैं बेटे वो स्टोरीज जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रहती हैं, एंड दे आर नॉट रियल सपोर्स बट दे आर बेस्ड इन फिक्शन। सो ये स्टोरी एक किंग के बारे में है। इट इज अबाउट अ किंग हु हैज अ मैजिक ड्रम एंड अ टॉर्टोइस हु वॉन्ट्स टू टेक द ड्रम फ्रॉम द किंग। एक किंग के बारे में है जिसके पास एक मैजिक ड्रम है और एक टॉर्टोइस है जिसे हम कछुआ कहते हैं। वो किंग से वो ड्रम लेना चाहता है। सो वी आर गोइंग टू रीड दैट हाउ द टॉर्टोइस इज एबल टू टेक द ड्रम ऑफ द किंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इफ्राइम ड्यूक वॉज एन एंशियंट किंग ऑफ कैलाबार। ही वॉज अ पीसफुल मैन एंड ही डिड नॉट लाइक वॉर। ही हैड अ वंडरफुल ड्रम, द प्रॉपर्टी ऑफ विच when it was beaten was always to provide plenty of good food drink. So whenever any country declared war against him, he used to call his enemies together and beat his drum. Then to surprise of everyone, instead of fighting, the people found tables spread with all sorts of dishes: fish, fufu, palm oil, chopped soup and cooked yams and plenty of palm wine for everybody. So what happens bete, ye kehta hai yahan tak ab tak kya meaning hai ki Ephraim Duke is the name of the king jiski hum story pad rahe hain. Ephraim Duke एंशियंट किंग है, बहुत पुराना किंग है कैलाबार का, बहुत शांतिपूर्वक इंसान है और उसे वार करना, बैटल्स करना, लड़ाई झगड़े करना नहीं पसंद है। उसके पास एक ड्रम है। उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर उसको वो बीट करता है तो प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी मीन्स अबंडेंस, बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में फूड और ड्रिंक्स जो स्वादिष्ट होते हैं वो आ जाता है। ठीक है, सो व्हेनेवर जब भी किसी कंट्री, जो भी कोई कंट्री उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करती है, लड़ाई उसको मतलब डिक्लेयर करती है उसके अगेंस्ट, तो वो क्या करता है, वो अपने एनिमीज को बुला के उनको भरपूर भोजन खिलाता है। किससे खिलाता है, उस ड्रम को बीट करके, बिकॉज ही हैज अ मैजिक ड्रम। तो इससे क्या होता है बेटे, जितने भी उसके एनिमीज है वो खुश होके जाते हैं भरपेट। ओके, तो इस तरह वो उनको, उन सबको सेटिस्फाई करता है, उनकी एक कंटेंटेड फ्रेम ऑफ मतलब माइंड है सबका और वो सब खुश रहते हैं इसमें। वो क्या क्या डिशेस होती हैं, यहाँ पे डिशेस के नेम लिखे हुए हैं। फिश प्रोवाइड करता है वो, फूफू एक तरह की रीजनल डिश है अफ्रीका की, पाम ऑयल, चॉप्स मीट कह लो, नॉन वेजिटेरियन डिश कह लो आप इसको, सूप, कुक्ड यम्स, यम्स जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, जैसे कि शकरगंदी कहते हैं, वाइन, अल्कोहल कहते हैं जिसे, वो इस तरह की डिशेज उनको प्रोवाइड करता था। और इस तरह जो इफ्राइम है वो जितने भी उसके ऑल द कंट्री और सब चुप रहते थे एंड सेंट हिज एनिमीज अवे विद फुल स्टमक्स। ओके, इन अ हैप्पी एंड कंटेंटेड फ्रेम ऑफ माइंड। कंटेंटेड मीन सेटिस्फाइड। ओके, सो देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक टू पोजेस द ड्रम। अब एक कमी थी, एक ड्रॉबैक था उस ड्रम का, और वो क्या था बेटे कि जो भी ऑनर अगर उस ड्रम को कैरी करके किसी पेड़ के तने या फिर किसी वुड की स्टिक के ऊपर मतलब पार कर लेता था, ठीक है, तो वो जो उसका जो मैजिक था वो उल्टा पड़ जाता था। और उससे क्या होता था बेटे, उससे इग्बोमेंस निकलते थे, कोई मतलब लोग निकलते थे, 300 के करीब लोग निकलते थे, और वो लोग जिसके पास वो ड्रम था उसको मारने लग जाते थे। ठीक है बेटे, किससे, स्टिक से और विप से, यही लिखा है। लेट्स रीड इट आउट। वन ड्रॉबैक टू पोजेस द ड्रम दैट वॉज इफ द ऑनर ऑफ द ड्रम वॉक्ड ओवर एनी स्टिक ऑन द रोड और स्टेप्ड ओवर अ फॉलन ट्री, ऑल द फूड विड इमीडिएटली गो बैड। फूड जितना भी होगा वो बैड हो जाएगा। मोर ओवर, और इसके साथ क्या होगा, फूड तो आएगा लेकिन वो गंदा होगा, बट नॉट डिलिशियस, नॉट पैलेटेबल, नॉट इटेबल। और 300 इग्बो मेन आएंगे, वुड बी अ पेयर विद स्टिक्स एंड विप्स। विप्स आपको बताया मैंने अभी आपको कि एक थिन पीस ऑफ लेदर होता है विद द हैंडल, जो मारने के लिए यूज होता है स्पेशली एनिमल्स वगैरह को, ताकि वो आगे चलते रहें। बीट द ऑनर ऑफ द ड्रम एंड ऑल द इन्वाइटेड गेस्ट वेरी सीवियरली, मीन्स बहुत बुरे तरीके से उनको मारने लग जाते हैं। सो दैट वॉज अ ड्रॉबैक ऑफ द ड्रम। लेट्स कंटिन्यू। एवरी फ्यू मंथ्स द किंग यूज टू इशू द इन्विटेशन टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू कम टू अ बिग फीस्ट, मीन्स पार्टी। फीस्ट मीन्स पार्टी, दावत जिसे हम कहते हैं।
एनिमल्स भी आते थे उसके मतलब इनविटेशंस पे, है ना, क्योंकि उस टाइम एनिमल्स फ्रेंडली होते थे बेटे, ठीक है, तो सब कोई एक दूसरे को मारता नहीं था, एनिमल्स जितने वाइल्ड एनिमल्स भी उसके अगर इन्विटेशन पे आते थे किंग के, तो वो एक दूसरे अच्छी तरह वो रहते थे और अपना फूड एंजॉय करते थे. सो ऑल द पीपल एंड एनिमल्स एज वेल वर एनवेस ऑफ द किंग्स ड्रम, जितने भी पीपल थे, जितने भी लोग थे वहां के और एनिमल्स थे बेटे, वो जेलस थे किंग के ड्रम से एंड वॉन्टेड टू पोजेस इट, बट द किंग वुड नॉट पार्ट ऑफ इट, वुड नॉट पार्ट विद इट, मतलब वो किंग अपना जो ड्रम किसी को देना नहीं चाहता था और सब लोग उससे एनवियस मीन्स जेलस थे, इवन एनिमल्स एंड किंग्स, एनिमल्स एंड पीपल, सॉरी. वन मॉर्निंग एक्वार एडम, एक नया करेक्टर है बेटे स्टोरी के अंदर, दैट इज द वाइफ ऑफ द किंग, जो कि है इक्वार एडम, ठीक है, टुक हर लिटिल डॉटर डाउन टू द स्प्रिंग टू वॉश हर एज शी वॉज कवर्ड विद यॉर्स विच आर बैड सोर्स ऑल ओवर द बॉडी. देखिए बेटे, किंग की वाइफ का नाम है इक्वार एडम और उनकी एक बेटी है, डॉटर है, जिसको एक स्किन प्रॉब्लम कह लें आप उसको, कि यॉर्स हुए हुए हैं उसको, बैड सोर्स मीन्स एक तरह की रेडनेस आ जाती है बॉडी पे, है ना, स्वेल हो जाती है आपकी बॉडी, पेन रहती है आपके जॉइंट्स पे, तो वो उसको वॉश करने के लिए स्प्रिंग मीन्स एक वाटर बॉडी पे के नियर लेके जाती है. तो वहां देखते कि टोटोइज वहां अपनी पाम ट्री, एक वहां पे पाम ट्री है, तो वहां टोटोइज होता है, तो वो अपने नट्स को, अपने मतलब दोपहर के खाने के लिए वो नट्स तोड़ रहा होता है पाम ट्री से. तो क्या होता है, जब वो तोड़ रहा होता है तो एक दो नट्स उसके नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड में, और क्या होता है, वो जो बच्चा होता है मींस उनकी जो लिटिल गर्ल होती है किंग की, उसको भूख लग रही होती है और वो कहती है कि मामा मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. सो व्हाट हैपेंड, पिक्ड अप द पाम नट एंड गेव इट टू द डॉटर. फिर क्या होता है बेटे, जो किंग की वाइफ होती है, किंग्स वाइफ gave that nut to the daughter. Directly the tortoise saw this, he climbed down the tree and asked the woman where his palm nut was. She replied that she had given to it to her child to eat. Then the tortoise, who was very much wanted the king's drum, thought he would make plenty palaver over this and force the king to give him the drum. So he said to the mother of the child. Ab yahan tak padhte hain kya kaha humne beta, ab tak humne ye padha hai ki jo Ekwar hai वो अपनी बेटी के साथ, अपनी डॉटर के साथ, अपने डॉटर को साफ करने के लिए, जो कि उसकी यॉज एक बीमारी है, आपको मैंने अभी बताया, उसको धोने के लिए जाती है इसी वाटर बॉडी पे. वहां पे एक पाम ट्री होता है, टॉर्टोइज वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बेटे. तो वो क्या होता है, जो टॉर्टोइज होता है वो अपने लिए नट्स इकट्ठे कर रहा होता है दोपहर के खाने के लिए. उसके जो नट्स हैं, एक दो नीचे गिर जाते हैं. जो डॉटर होती है किंग की बेटे, वो कहती है कि मुझे नट्स खाने हैं. तो जो एक वॉर होती है मीन्स वाइफ होती है किंग की, वो अपनी बेटी को नट्स खिला देती है. टोटोइज इसको देख लेता है और वो कहता है कि अब मैं इनसे मतलब मांग करूंगा, आई एम गोइंग टू, ही वुड मेक प्लेंटी पैलावार ओवर दिस. मतलब पैलावार ओवर हेयर मीन्स अननेसेसरी ट्रबल, मतलब ट्रबल क्रिएट करेगा, मुसीबत क्रिएट करेगा इनके लिए और उसके कंपनसेशन मांगेगा, ठीक है, मतलब इसके बदले में. सो लेट्स सी, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़.